नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं स्पेशल गणित बैच चला रहे हैं, जिसमें से कि आज पार्ट नंबर 3 है। और इस स्पेशल गणित में आपको हम 2 नंबरा और 5 नंबरा प्रश्न बता रहे हैं। तो आइए आज पार्ट नंबर 3 का पहला प्रश्न देखिए। द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करिए। तो दोस्तों, इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, और हिंदी में अगर हो सके तो आप हल भी लिख सकते हैं। तो हम a बराबर लिखेंगे क्या, 5, क्योंकि ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4, और c बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो अब हम विवेचक का सूत्र, यानी इसे आप d भी कह सकते हैं, यानी कि आप d बराबर ही सूत्र लगाइए। तो क्या, तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब हम यहाँ पे बैठा देंगे, b कॉमन कितना है, तो -4 है, और स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर 4, a कॉमन कितना है 5, तो गुना में 5 हो जाएगा, फिर गुना c कॉमन कितना है 2। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 बार गुना हो जाएगा तो आपका ये 16 हो जाएगा, और माइनस इधर कितना 5 × 10, ये हो गया 40, तो बराबर आपका -24, ये आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10... के 18वां पद का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों, आपका एपी यानी समांतर श्रेणी का जो प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है पहला पद 1, दूसरा पद 4, और तीसरा पद 7, और चौथा पद 10, और इसी तरह से डॉट डॉट दे करके ये 18वां पद पूछ रहा है कि 18वां पद पर क्या आएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि a बराबर जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे, उसके बाद a बराबर कितना जाएगा आपका 1, और फिर निकालना हमको सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि d निकालना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यानी a2 में -a1 करेंगे, तो a2 कितना है 4, और -1, तो d बराबर कितना आ गया, 1 घट जाएगा इसमें, तो 3 आ गया। अब जो है कि हमको, और n वा कितना हो जाएगा 18, n वा पद हो जाएगा 18। तो सूत्र अब से निकालना है, यानी कि सूत्र होता है an = a+n-1(d). तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a 18, और a का मान कितना है 1, प्लस n का मान कितना है 18 माइनस 1, और d का मान कितना है 3। तो अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 17, और गुना ये 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 1 + 17 = 51, और फिर ये जुट करके कितना हो जाएगा 52, यानी कि 18वां पद कितना हो जाएगा 52, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, बिंदु 4, 5 तथा -3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको कह रहा है कि यह जो है कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, और इसमें कह रहा है कि बिंदु 4 और 5 तथा -3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों, आप लोग सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे, उसके बाद आप यहां पर लिखिए सूत्र। तो दूरी बराबर होता है सूत्र आपका यहाँ पे x2 - x1 में आपको स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है y2 - y1 पे स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमको बैठाना है क्या इसका मान। तो अब देखिए यहाँ पे -3 है, देखिए ये होता आपका x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए तो x2 कहाँ है, तो x2 यहाँ है, तो -3 और फिर -4 इस पे स्क्वायर, प्लस उसके बाद फिर y2 कहाँ है 2, उसके बाद फिर माइनस
y1 कहाँ है, 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर रूट अंडर फिर कर दीजिए, ये दोनों आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस 7 पे स्क्वायर प्लस ये घट जाएगा माइनस 3 पे स्क्वायर। तो दोस्तों ये सम पावर है तो प्लस में ही आएगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा आपका ये 49 और प्लस ये हो जाएगा आपका 9। तो अब जोड़ दीजिए 9 दुनी 18 करो 8 बाकी 1 5, यानी कि रूट अंडर 58, यही आपका आंसर आ जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है जिसका की परिमाप कितना है 3 सेंटीमीटर है और उसका पूछा गया है क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम यहाँ लिख करके बनाएंगे, आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सल्यूशन या हल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी कि ये सभी जो है किसका बराबर होता है, ये सभी बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ये 1, 2, 3 भुजा है, यानी कि हमको एक भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30/3, तो कितना आ जाएगा ये 10 हो जाएगा। अब जो है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/4 और यहाँ पे भुजा कितना इकला है मेरा, भुजा इकला है 10, तो 10 पे स्क्वायर, फिर यहाँ √3/4 गुना ये एक 10 का स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा और ये कट जाएगा 25 चौके 100, तो आपका आ गया 25√3, ये आपका आंसर हो गया 25√3।